राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में डिडई चौराहे पर पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बताते चले कि डुमरियागंज बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच पर नहीं दिखे। बीते दिनों विवादित भाषण को चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान में लेते हुए 24 घंटे के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करें, देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए भाजपा सरकार को ही चुनें। 5 चरणों में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ किया है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जनता मगर मस्त, क्योंकि विकास जबरदस्त और इसलिए विपक्षी गठबंधन की तय शिकस्त। मैं चाहती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, विधानसभा की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए, देश की मजबूती के लिए और एनडीए गठबंधन तो आपके मन में समाया है। 3 चुनाव में आपने शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इस बार भी यही करना है। तो सर्वहित को सर्वोपरि रखते हुए एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए आने वाली 3 तारीख को आपको Thank you.